हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने अपनी पिछली एक्टिविटी में पढ़ा था चैप्टर 1, प्लांट्स प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड। उसमें हमने पढ़ी थी लीफ की स्ट्रक्चर, कि लीफ के कैसे पार्ट्स हैं जो लीफ को फोटोसिंथेसिस, मतलब उसका खाना बनाने में हेल्प करते हैं। आज हम उस फोटोसिंथेसिस को ही पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस है क्या? प्रिपेयरिंग फूड, प्रिपरेशन ऑफ फूड, मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट्स। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस होता है कि प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझा रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। देखो, ये एक प्लांट की स्ट्रक्चर है। पूरा प्लांट हम नहीं बना सकते, ये प्लांट की स्ट्रक्चर है। हमने लीफ पढ़ा था कि लीफ में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का काम क्या है? एक तो लीफ को ग्रीन कलर देना, दूसरा सनलाइट की हीट को लेना, सनलाइट से गर्मी को लेना। एनवायरनमेंट में, हमारी हवा में ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस होती है। तो लीफ क्या करते हैं? लीफ पे छोटे छोटे होल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। छोटे छोटे होल होते हैं, उन होल से क्या करते हैं लीव्स? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सनलाइट कहाँ से मिलती है? सन से सनलाइट मिलती रहती है और उसमें क्लोरोफिल है। वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो वाटर एंड मिनरल्स सोइल से लेते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सनलाइट हो गई, क्लोरोफिल लीफ में ही होता है। ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट होती है, क्लोरोफिल लीफ में होता है, ये सब मिलकर बनाते हैं फूड, कार्बोहाइड्रेट। मतलब फूड है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। फूड बन गया और साथ में बाहर क्या निकला? ऑक्सीजन। देखो, जो हमें ऑक्सीजन सांस लेने के लिए चाहिए होती है, जो हम सांस लेते हैं, हम जिंदा जिसकी वजह से रहते हैं, वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिली? प्लांट से मिली। इसलिए प्लांट्स को क्या कहते हैं? लाइफ लाइन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया? फोटोसिंथेसिस होता क्या है? प्लांट्स का खुद खाना बनाना, खुद का खाना खुद बनाना। प्लांट्स देयर मेक देयर ओन फूड, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये लीव्स में होता है। लीव्स की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी। लीव्स क्या करते हैं? एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट सन से मिलती रहती है, वाटर एंड मिनरल्स रूट्स लेती हैं सोयल से, और ये सब जब लीफ में, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इस फूड बन गया प्लांट में। इस फूड का हम तो अपना सारा खाना यूज़ करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम उसको अपनी ग्रोथ के लिए, बड़े होने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन प्लांट्स उस फूड को यूज़ कैसे करते हैं? हाउ डू प्लांट्स यूज़ देयर फूड? कैसे करते हैं? प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है बढ़ने के लिए, या उनके अंदर भी जो काम चलता रहता है फॉर ग्रोथ, उन्हें भी बड़ा होने के लिए एनर्जी चाहिए। और जो उनका एक्स्ट्रा फूड बच जाता है, जो वो यूज़ नहीं कर पाते, वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। लाइक एक फ्रूट आया प्लांट के, वो हमारे लिए खाना है, लेकिन वो प्लांट के लिए एक्स्ट्रा खाना था जो उन्होंने स्टोर करके रख लिया। उसके बाद कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते। ये हमने पढ़ा है कि क्लोरोफिल की वजह से जो लीफ है वो ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का जो लीफ होगा वही फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकता है। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें या तो लीव्स होते ही नहीं, या फिर जिनके ग्रीन कलर के लीव्स नहीं होते, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? देखिए, मशरूम ऐसी स्ट्रक्चर होती है, हम सब्जी बना के भी खाते हैं। मशरूम है वो भी एक प्लांट का ही टाइप है, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता क्योंकि उसमें कहीं ग्रीन कलर के लीव नहीं है। तो वो अपना खाना कैसे लेते हैं? वो अपना खाना लेते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं उनसे वो अपना खाना लेते हैं, उनके ऊपर उग जाते हैं और वहाँ से अपना खाना लेते हैं। कैक्टस आपने देखा होगा, ग्रीन कलर के ऐसे कांटे कांटे वाला होता है, वो क्या करता है? उसकी जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की होती है, और जो उसके लीव्स थे वो किस में चेंज हो जाते हैं? स्पाइंस में, कांटों में चेंज हो जाते हैं। तो वहाँ फोटोसिंथेसिस कौन करता है? स्टेम करता है, क्योंकि स्टेम में क्लोरोफिल है, स्टेम ग्रीन कलर की है। फिर है फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे फ्लो होती है? देखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ थी? सन में थी। सन में से किसने ली? प्लांट ने ली। किस लिए ली? फोटोसिंथेसिस करके हमारे लिए और खुद के लिए फूड बनाने के लिए। फूड में एनर्जी स्टोर होगी, उसे एनिमल्स ने खाया
और हमने भी खाया, और वो सन वाली ही एनर्जी कहाँ तक पहुँच गई, हमने खाना खाया हम तक पहुँच गई। तो ऐसे ये एनर्जी चलती रहती है, पहले सन में थी, प्लांट्स में गई, प्लांट्स को जिसने खाया, एनिमल्स, डियर, जिस भी एनिमल ने खाया उसमें चली गई, हमने खाया हम में आ गई। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी है, मतलब एक से दूसरे को जो एनर्जी पहुँच रही है ये क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस चैप्टर की एक्टिविटी मतलब वर्कशीट मिलेगी, उसके आंसर करना है। थैंक यू।